बच्चों आज के वीडियो में हम लोग दो फलों का गुणन फल का अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। मान लिया जाए कि माना दो फलन F1 तथा F2 है, ये दोनों फलन यक्ष चर राशि के हैं। F1x और F2x यानी चर राशि इसमें क्या है, यक्ष है। ये दो फलन है और ये दोनों फलन गुणा में है, तो D/dx F1 गुणे F2, अगर ये दो फलन का गुणनफल है तो इसका अवकल गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं? इसको शेयर नहीं कर, इसका D/dx F2 F2 D/dx ये हमारा फार्मूला बन गया कि यानी जो फलन हमारा एक F1 है, दूसरा F2 है, बीच में गुणा है, इनका अवकल गुणांक D/dx का मतलब इन दोनों के गुणनफल का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला फंक्शन पहला फलन गुणते D/dx F2 मीन्स F2 का अवकलन गुणांक प्लस F2 D/dx F1, या इसको इस तरह से कह दे कि अगर जो फंक्शन हमारे पास D/dx फर्स्ट गुणते सेकेंड है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, पहला फंक्शन गुणते D/dx सेकेंड का प्लस सेकेंड D/dx फर्स्ट। आप F1 F2 के फॉर्म में कर सकते हैं या इसको हम लोग फर्स्ट और सेकेंड के फॉर्म में कर सकते हैं, जो अब आपको अच्छा लगे उस फॉर्म में आप फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला है दो फलों के गुणनफल का अवकल गुणांक। अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन। जैसे D/dx x इंटू साइन x, यहां दो फंक्शन एक x है दूसरा हमारा क्या है साइन x है। ये x मीन्स F1 का काम कर रहा है, साइन x F2 का काम कर रहा है। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, F1 लिखा है, F1 मीन्स x गुणते D/dx F2, F2 मीन्स साइन एक्स प्लस अब वही F2 इधर आ गया साइन एक्स इंटू D/dx एक्स के। अभी उस फार्मूले में हमने गुणनफल का फार्मूले में पहला फंक्शन दूसरे का अवकल प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का अवकल गुणा। अब हमने कल आप लोग को बेसिक फार्मूले बताया है कि ये एक्स गुणते साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, इसमें को नहीं लगा हुआ है, पॉजिटिव हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ये साइन एक्स और ये इस पे power 1 है, अंडरस्टूड है power 1 लिखा नहीं जाता है, तो एक्स पावर एन वाला फार्मूला करेंगे तो ये हो जाएगा कि एक्स पे power 1 -1 एक तरह से एक्स पावर 0 बन गया। एक्स पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये बन गया एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स पावर 0 इसकी वैल्यू 1, या इसको लिखेंगे एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स यानी एक्स इंटू साइन एक्स का अवकल करेंगे तो ये एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। इसी तरह दूसरा हम लोग बात करते हैं, हम लोग दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है D/dx e^x cos x, यहां हमारे पास e^x है, ये F1 का काम कर रहा है, यहां गुणा ये अंडरस्टूड है गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, e^x गुणते cos x है। तो उस फार्मूले का यूज अभी हमने बताया कि ये सूत्र आपका है कि D/dx
एफ वन गुणे एफ टू है, उस फार्मूले का यूज करिए कि एफ वन डी अपॉन डी एक्स, एफ टू प्लस एफ टू डी अपॉन डी एक्स, एफ वन के इसी फार्मूले का यूज इसमें करें तो क्या बन जाएगा, ई पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स के, इसी फार्मूले एफ वन का काम ई पावर एक्स, एफ टू काम कॉस एक्स कर रहा है। तो अब आप देखिए ई पावर एक्स कॉस एक्स है को लगा है, इसलिए इसका अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं ये ब्रैकेट में लगा दिए, ऐसे लिख दिए तो ये अलग बताएगा ई पावर एक्स, आगे की अब वैल्यू लिखेंगे तो ये में अंतर हो गया, लेकिन इसको क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है इसको ब्रैकेट को अंदर लिखेंगे साइन एक्स, ठीक है। और ये हमारे पास कॉस एक्स और ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमने बताया है, ई पावर एक्स ही होता है। और अब ये क्योंकि यहाँ आपका गुणा है ये माइनस है, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स कॉस एक्स। अब आप देखिए कि दोनों में जो कॉमन है उभयनिष्ठ है उसको आप देखिए, दोनों में कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है, ई पावर एक्स, ई पावर एक्स को कॉमन बाहर ले लिया, यहां बचा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर टाइम एक्स, यहां भी हमारे पास दो फलन है, ये एक्स स्क्वायर पहला फंक्शन हो गया, टेन एक्स आपका दूसरा फंक्शन हो गया। तो हम लोग उसी फार्मूले का कि पहले का पहला गुणते दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकल गुणांक, उसी फार्मूले का यूज करेंगे तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का अवकल गुणांक, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हम आप लोग को बताया है कि ये सूत्र होता है डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, कि ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ट्रिक बता जो पावर है बगल में लिखेंगे एक पावर कम कर देंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स, और ये बना एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। और ये देखिए ऐसे लिखने से अच्छा नहीं है तो गुणा, लेकिन लिखने का तरीका गलत है, इस 2x को लेफ्ट में लिखेंगे 2x tan x। अब देखिए दोनों में कुछ आपका उभयनिष्ठ दिख रहा हो तो उभयनिष्ठ ले लीजिए, कुछ नहीं है तो x है, x को कॉमन ले लिया, यहाँ x बचेगा sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर ये कॉमन नहीं लेते हैं तो भी ये आपका आंसर सही है। देखिए बच्चे अभी तक हम लोग गुणनफल का अवकल गुणांक ज्ञात कर रहे थे, अब हम लोग दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। मान लीजिए दो फलन हमारा बटे के फॉर्म हो गया तो उसका जो सूत्र होता है इसको आपको याद करना पड़ेगा कि डी अपॉन डी एक्स एफ वन अपॉन एफ टू, यानी एफ वन बटा एफ टू, ये भागफल में हो गया, ये पहला फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया, या ये कहिए कि अंश में हो गया और ये हर में हो गया। इसका अवकल गुणांक याद करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये एफ टू डी अपॉन डी एक्स एफ वन माइनस एफ वन डी अपॉन डी एक्स एफ टू अपॉन एफ टू का होल, यानी इसका कहने का मतलब
ये एफ वन अपॉन एफ टू है, तो यहाँ पहले एफ टू लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एफ वन, यानी एफ वन का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे और यही चीज चेंज कर देंगे, इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, ये एफ वन हुआ डी अपॉन डी एक्स एफ टू बटे एफ टू का वर्ग, या इसको हम लोग ऐसे लिख दें कि डी अपॉन डी एक्स अंश बटा हर, कुछ बच्चे एफ वन एफ टू में कंफ्यूज करेंगे, अंश बटा हर जो आपका ऊपर होता है उसको अंश बोलते हैं, जो नीचे होता है उसको हर बोलते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे हर डी अपॉन डी एक्स अंश माइनस अंश डी अपॉन डी एक्स हर बटे हर का वर्ग, ये दोनों में से आप एफ वन अपॉन एफ टू के फॉर्म में याद कर लीजिए या अंश बटा हर के रूप में है, तो आप ये दोनों में से कोई एक फार्मूला याद कर लीजिए। तो देखें इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, याद होना चाहिए, इसको एकदम कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, जब तक ये याद नहीं रहेगा तो अंश बटा हर के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, याद रहेगा तुरंत आप उस फार्मूले को लगाएंगे और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये अंश बटा हर के फॉर्म में है या एफ वन बटा एफ टू के फॉर्म में है, जरा इस फार्मूले को अप्लाई करिए, एफ वन का काम एक्स स्क्वायर कर रहा है, एफ टू का काम साइन एक्स कर रहा है, तो इस फार्मूले में हम लोग चले, एफ टू है मीन्स साइन एक्स है, डी अपॉन डी एक्स एफ वन मीन्स एक्स स्क्वायर है माइनस, यहाँ ध्यान रखिएगा क्योंकि गुणा में यहाँ प्लस होता है और भागफल में माइनस होता है, ये माइनस एफ वन एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स बटे हर का वर्ग एफ टू का वर्ग साइन एक्स का वर्ग। अब आप फार्मूला तो अप्लाई कर दिया, डिफरेंशिएशन के फार्मूले बेसिक याद करिए कि ये साइन एक्स तो रहेगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अपॉन, ये साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। देखिए बच्चों ये कंफ्यूजन होता है, ये अगर साइन एक्स का होल स्क्वायर है इस चीज को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये चीज साइन अगर ऐसे लिख दिया जाए तो ये गलत माना जाएगा, ये चीज अलग हो गया, ये दोनों एक ही चीज माना जाएगा। तो यहाँ हम लोग साइन एक्स का होल स्क्वायर है या इसको हम लोग साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और ये देखिए 2x को पहले लिख दिया 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, जो कॉमन अगर है कॉमन लेकर के लिख दीजिए, नहीं तो यही इसका